अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हम आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम अल परसलान सीज़न 2 एपिसोड 306 के बारे में बात करेंगे और आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे सुलेमान बे कह रहा था ओके खातून को सुबह गिरफ्तार किया गया था, इससे जाहिर होता है बसासरी सुबह फरार हुआ है। बातूर बे कहते हैं दुआ है वो एनी ना पहुँचा हो। सुलेमान बे कहता है इंशाल्लाह बातूर साहब। इतने में वहां पर सिपाही आ जाता है, वो कहता है जनाब किलादार गवर्नर ग्रेगोर आया है, अंदर आना चाहता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं तो बातूर बे पूछते हैं यहाँ क्या कर रहा है, अभी जान ले वो। सुलेमान बे कहता है अभी जान लेंगे बातूर साहब, फ्लोरा को जल्दी से ढूंढो, उसे बाहर आने से रोकिए। सिपाही से कहता है सुलेमान के ठीक है अंदर आने दे। गवर्नर ग्रेगोर और उनके सिपाही अंदर दाखिल हो जाते हैं। ग्रेगोर अंदर आकर कहता है इनकार ना करना, बिल्कुल भी नहीं, जानता हूँ मेरी बेटी यहाँ है, फौरन उसे बुलाओ। सुलेमान कहता है यानी यहाँ आने का इस कदर यकीन है। इतने में वहाँ पर फ्लोरा आ जाती है, वो कहती है मैं कहीं नहीं जा रही बाबा, और फ्लोरा ने सलजोकियों का लिबास पहना हुआ था। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सुलेमान बातूर साहब की तरफ देखते हैं तो बातूर बे कहता है मेरी बात नहीं सुनी उसने। गवर्नर ग्रेगोर गुस्सा हो जाता है, फ्लोरा से कहता है इन चीज़ों को अभी उतारो, वो आगे बढ़ता है। सुलेमान कहता है सुना नहीं क्या, उसने कहा नहीं जाएगी। ग्रेगोर गुस्सा हो जाते हैं, अपनी तलवार निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन अलेक्जेंडर उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि सलजोकी सिपाही भी अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। फ्लोरा कहती है आप मेरे साथ अपनी मर्जी नहीं कर सकेंगे बाबा, तुम भी अलेक्जेंडर। ग्रेगोर कहता है फ्लोरा तुम। सुलेमान गुस्सा होकर कहता है निकल जाओ यहाँ से गवर्नर, खातून कहीं नहीं जा रही। इधर जरीन खातून मुसलसल आगे बढ़ रही थी, उसने एक मशरूब उठाया हुआ था, फिर उसके अंदर वो जहर मिला लेती है। जहर मिलाते हुए जरीन कहती हैं कसम तोड़ने वालों का अंजाम यही है सेफरिया। इधर अल फसलान साहब अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल गेंजे शहर की तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ सेफरिया कह रही थी खाना या दवाई मेरा इलाज नहीं कर सकती जरीन, रख दो फिर किसी वक्त पी लूंगी। जरीन कहती हैं आकनाए खातून ने ताज़ा बनाया है, फौरन पीने का कहा है, बस थोड़ा सा पी लो शाबाश। सेफरिया खातून वो ले लेती है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे पी लेती हैं। जरीन ये देखकर खुश जाती हैं कि उसने जहर वाला मशरूब पी लिया है, तो जरीन कहती हैं जल्द शिफायाब हो। सफरिया खातून सारा पी लेती है और वो जरीन का शुक्रिया अदा करती है। इधर अल परसलान साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंच जाते हैं। अल परसलान साहब फरमाते हैं अब एनाज साहब के आने का इंतजार करेंगे। इधर एक सिपाही अल परसलान साहब उनके सिपाहियों को देख लेता है और फिर वहां से रवाना हो जाता है। और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का हो जाता है खिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन इकराम, अगर आप अल परसलान सीज़न 2 के मज़ीद एपिसोड्स हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं, हम आपके राय और सवाल का जवाब ज़रूर